हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज डीएमई ने असम का नीट 2024 का मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज किया है। और मेरिट लिस्ट रिलीज करने के बाद जो पहले एक रैंक लिस्ट निकला था मतलब तो उसके अकॉर्डिंग ही गया है। मतलब उसके सिमिलर नहीं था पर ऑलमोस्ट सिमिलर था। कुछ कुछ गलतियां था उस रैंक लिस्ट में, इसलिए मैंने बोला था कि वो रैंक लिस्ट आपको 100% बिलीव नहीं करना है। तो देखो, आज के इस वीडियो में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। देखो, मैं पहले भी बहुत बार बताया था कि मेरिट लिस्ट आने तो उसके बाद मैं अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, और पहले जितने भी कट ऑफ मैंने बताया था तो उसके हिसाब से ही असम का कट ऑफ जाएगा। जो पहले कट ऑफ मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और एससी का कट ऑफ थोड़ा सा डिफर कर सकता है। तो मेरे पास अलग अलग 4 या 5 PDF है जिसमें जनरल, AWS, OBC एंड SC का अलग अलग कितने कैंडिडेट्स ने इस पर एग्जाम अपियर किया था और उनका मार्क्स क्या क्या है वो सब है। तो मैं उन सभी PDF को मिलाकर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला हूँ जो कि आप सभी को इम्पोर्टेंट लग सकता है, क्योंकि मैं इस उन सभी PDF को देखकर ही मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर रेडू, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला चीज है, मैं वो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उधर जाके देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो। सबसे पहला चीज देखो, बहुत सारा स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, और तो उनके लिए एक ही चीज है, आप DME जा सकते हो। और बहुत सारा स्टूडेंट्स का कैटेगरी भी चेंज नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप DME जाओ। उधर जाके आपको DME को बताना है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो अगर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो लोग भी चिंता मत करो, क्योंकि कुछ दिन बाद DME अपने वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट पर नाम डालने के लिए रिवाइज मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा। तो रिवाइज मेरिट लिस्ट हर साल रिलीज होता है, तो इस बार भी रिलीज हो सकता है। सबसे पहला चीज हम डिस्कस करेंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने बहुत पहले बार भी एक किया था, तो इस बार भी मैं देख लेता हूँ सीट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देखो, 2023 में असम में 1500 सीट था, तो इस बार तो जो स्टेट कोटा में 1166 सीट आया था, इसमें UR को सिर्फ और सिर्फ 525 सीट दिए गए थे। तो देखो, इस बार 1600 सीट है, क्योंकि एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है और 100 सीट इंक्रीज हुआ है। तो देखो, 13 मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें से AIQ, सेंट्रल पूल, रॉयल भूटान और नॉर्थ ईस्ट कोटा, इन सभी को डिडक्ट करके 263 सीट्स आता है। तो फिर स्टेट कोटा में लगभग ऑलमोस्ट 1337 सीट्स आता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली, इससे थोड़ा मतलब 1 या 2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। फिर सीट डिस्ट्रीब्यूशन अब देख लो, ओबीसी में लगभग 361 सीट्स है, एससी 94, ST Plain 134, ST Hill 67, EWS and 80। तो यही चीज है, आप इधर देख सकते हो, ये टोटल कंबाइंड सीट्स है, मतलब इसमें सब कैटेगरी का सीट भी आ जाएगा। तो अराउंड 378 माइनस करके लगभग 278 सीट्स ओबीसी को दिया जाएगा। एक चीज है, जो जो NRI है इसके लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा था, कि जो सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ था पहले और DME ने रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि NRI का जो 7% है वो आफ्टर डिडक्टिंग EWS एंड अदर डिडक्शन, मतलब बाकी सबको डिडक्ट करने के बाद है NRI को 7% दिया जाएगा। तो अब ये DME ने कंफर्म नहीं किया है कि क्या ये NRI का जो 7% है ये कंप्लीट 1337 सीट से दिया जाएगा, या फिर इन सभी सीट्स को डिटेक्ट करने के बाद दिया जाएगा। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, तो इसको भी हम देखेंगे, तो इसको लास्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कूल कोटा और PWD। ये दो कैटेगरी है, ये कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ये एक प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन है, क्योंकि इसमें जो OBC है, SC, ST या फिर जनरल, इन इनमें इन सभी कैटेगरी का भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो ये अलग से रिजर्वेशन नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा है 67 सीट्स आएगा। तो ये मतलब अराउंड फिल, ये लगभग फिल हो सकता है, चांसेस है ये फिल होने के लिए, 67 सीट जा सकता है। इसका मतलब OBC, SC, ST और या फिर जनरल, इसमें से भी सीट डिडक्ट हो जाएगा, कुछ कुछ सीट डिडक्ट, उतना ज्यादा नहीं होगा। फिर PWD में जो 67 सीट है, इसमें से लगभग मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 15 से 20 सीट से जाता है, क्योंकि PWD का कैंडिडेट असम में उतना नहीं होते हैं, तो PWD का कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, लगभग 300-200 से आपको सीट मिल जाएगा। तो यही चीज है, ये सब कैटेगरी के सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर ये स्पेशल कोटा का सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है।
ये भी सेम है, ये भी बाकी कैटेगरीज में इंक्लूडेड है, ये कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। सो अगर हम लोग ये जो चीज आप देख रहे हो 510 अप्रोक्सीमेटली यूआर का सीट तब आता है जब हम लोग अगर जो एनआरआई का जो 7% सीट है वो अगर हम लोग 1337 सीट से लेते हैं तो एनआरआई का सीट्स लगभग 94 आ जाता है, जिसमें से हम लोग टोटल 830 सीट्स डिडक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूआर का जो सीट है तो वो 510 आ जाता है। तो देखो लास्ट ईयर 525 था, तो इस बार 510 आना मुश्किल होगा क्योंकि सीट्स तो मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ है तो सीट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि डीएमई ने यही चीज बोला था, दिस विल बी कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कोटा एंड अदर डिडक्शन, तो ये ऐसा ही हो सकता है। हम ये चीज देख सकते हैं क्योंकि जो 7% ऑफ 601 है तो ये 42 सीट्स आता है, तो 42 सीट्स एनआरआई को जा सकता है। तो अगर हम लोगों ने 42 सीट्स 1337 से 736 अगर हम लोगों ने माइनस करते हैं तो 601 आता है। ये 736 सीट्स क्या है, ये इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, प्लेन और एसटी हिल इन सभी चीज इधर है, सिर्फ एनआरआई हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है। तो इन 601 सीट जो है, तो क्योंकि डीएमई ने यही बोला कि एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कोटा एंड अदर डिडक्शन, उन सभी को डिडक्ट करने के बाद जो सीट बाकी रहेगा उसमें से 7% दिया जाएगा। तो ऐसा अगर हो सकता है तो इसका चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रेदर देन कि 337 सीट से 7% दिया जाएगा। तो एनआरआई को 42 सीट मिल सकता है, नॉट श्योर, वो भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है, तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। तो 601 से 42 माइनस करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 559 आता है, जो कि मैं 560 मान रहा हूँ, और जो सीट्स हमारा जनरल को दिया जाएगा 560 सीट्स, मैं ये कट ऑफ मानूंगा 560 सीट्स यूआर को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का जो सीट मैट्रिक्स है, तो इस बार का सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा चॉइस फिलिंग के टाइम पर, तो ये मैं इसको देखकर थोड़ा सा मतलब एनालिसिस किया है कि क्या कट ऑफ जा सकता है, तो आप भी देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो चलो देख लेते हैं कट ऑफ क्या क्या जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, इसको निकालने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है। देखो आप लोगों ने यही चीज देखो, यूआर को 560 सीट्स, ईडब्ल्यूएस 80 सीट्स, ओबीसी 283 प्लस 78 361 सीट्स, एससी 94, एसटी प्लेन 134, एसटी हिल 67 सीट्स। सो ये जो ये तीन जो है इस नॉट अ सेपरेट कैटेगरी, इनमें जो जितना भी सीट्स आएगा इन सभी से ये सीट खाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको यही चीज देखना है, देखो ये पीडीएफ जो है, मतलब इसका ये जो पीडीएफ का लिंक है ये इधर है, आप देख सकते हो, तो ये ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है इसमें, तो मैंने इसको भी देखा अच्छे से एनालिसिस किया है कितने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, और इसमें जनरल का भी है, आप जनरल का भी देख सकते हो, और फिर इसको एससी का भी है और फिर ओबीसी का भी है, ओबीसी कितना कैंडिडेट्स है इधर असम में, इन सभी इधर है। तो यही चीज है। नेक्स्ट चीज आप एक चीज देख सकते हो, जनरल लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 546 कहता था 742 रैंक पर, तो हम लोगों ने यही चीज करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 742 रैंक को कंपेयर करेंगे और फिर इस बार कितना सीट्स यूआर को मिल रहा है, तो यूआर को 560 सीट्स मिल रहा है, तो हम लोग काउंट करेंगे यूआर को 560 सीट्स आफ्टर डिडक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 60 स्टूडेंट्स, जो कि देखो यूआर से तो 60 स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो कि मतलब ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा, तो यूआर से लगभग 50 स्टूडेंट हम मान सकते हैं कि जो यूआर से होंगे और उनको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल सकता है। तो यही चीज माइनस करने के बाद हम लोगों ने यही चीज निकाला है कि यूआर को अप्रोक्सीमेटली हम लोग यही चीज मान सकते हैं 560 माइनस 20, तो अप्रोक्सीमेटली 540 सीट्स यूआर को जा सकता है, क्योंकि 20 सीट्स हम लोगों ने उधर दे दिया पीडब्ल्यूडी स्पेशल कैटेगरीज और गवर्नमेंट स्कूल होता, इससे नीचे इससे थोड़ा कम भी हो सकता है पर मैं 540 मान रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो 60 स्टूडेंट्स विल गेट सीट थ्रू AIQ, इसमें से जनरल मतलब 550 हो सकते हैं। तो देखो 742 रैंक हम इसको टारगेट बनाएंगे और फिर ऐड करेंगे 60, फिर 30 स्टूडेंट्स, मतलब 30 अप्रोक्सीमेटली मान रहे क्योंकि लास्ट में एनआरआई या फिर बाकी जितने भी कैटेगरीज है उनसे भी सीट कुछ जनरल में आ जाता है, तो अराउंड 832 अप्रोक्सीमेटली मैं मान रहा हूँ लास्ट
832 रैंक तक सीट मिलने का चांसेस है। तो यूआर का कट ऑफ आप यही चीज देख सकते हो 595 टू 603, मतलब मुझे जितना लग रहा है 603 या फिर 605 जा सकता है कट ऑफ, उससे ऊपर नहीं जा सकता है, और 590 के आसपास भी आ सकता है, तो इसका भी चांसेस है। सिंस मैं इसका कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली यही चीज मान रहा हूँ 595 टू 603 जा सकता है। तो आप मान सकते हैं अगर आपका मार्क्स 590 या फिर 595 के आसपास ही है तो इसका मतलब आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस से बाहर हो गए हो, तो आप भी इसका मेडिकल कॉलेज में आने के लिए रेस में हो, तो 590 हो तो आप मतलब चांसेस है, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है। तो ये चीज है 603 है और 603 के ऊपर है तो आप सेफ मान सकते हो आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट यूआर। नेक्स्ट कम्स टू ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस डिपेंड करेगा अगर डीएमई 2022 के रोल के हिसाब से फॉलो करे, अगर लास्ट ईयर की तरह हुआ तो ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकता है, अराउंड 630-640 के आसपास जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार 2022 के रोल्स के हिसाब से होगा। तो काउंट 80 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फ्रॉम 832 अप्रोक्सीमेट, देखो 832 रैंक है, उससे नीचे 80 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट काउंट करो जिसमें 591 मार्क्स पर आ सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ही यही चीज मान रहा हूँ 587 टू 595 ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जा सकता है इफ डीएमई फॉलोस 2022 रोल। सो दिस इज ऑल अबाउट ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट कम टू ओबीसी, सेम इज ओबीसी, अगर आप ओबीसी इसी तरह काउंट करो 283 काउंट करो, क्योंकि 78 कैंडिडेट्स वो सब कैटेगरीज का होता है और सब कैटेगरीज का जो सीट है वो 100% फुलफिल होता है, उसमें से कोई भी एक सीट उसमें नहीं जाता है, इससे कम, इससे 283 से माइनस भी हो सकते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल से होंगे और फिर कुछ सब कैटेगरी से होंगे, और सब कैटेगरी नहीं, पीडब्ल्यूडी होंगे या फिर तुम्हारा स्पेशल कोटा से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ओबीसी का कट ऑफ अराउंड 515 के आसपास जा सकता है और अप्रोक्सीमेटली प्लस 20, मतलब हम लोगों ने इधर प्लस 20 कैंडिडेट्स इंक्रीज किया है, ठीक है, इधर से। तो ओबीसी का कट ऑफ 500 टू 511 या फिर 515 जा सकता है। देखो तो अगर आपका मार्क्स 515 से नीचे भी 500 से नीचे आ रहा है तब भी आपको काउंसलिंग में अपियर करना है, क्योंकि पता नहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर एक चीज़ है, ये जितने भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये सभी और फाइनल राउंड के बाद है, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, इसलिए आपको उससे तो चिंता भी नहीं करना है, क्योंकि आपको लास्ट कट ऑफ कम जाता है। एससी का भी यही है, 500 टू 510 के आसपास जाएगा, और एसटी प्लेन और एसटी हिल का कोई सेपरेट मेंशन नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितने भी लास्ट वीडियो में बताया था उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगा। फॉर गवर्नमेंट स्कूल कट ऑफ कांट बी सेड, इट माइट बी लोअर देन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, जो जो अलग अलग कैटेगरीज है उनसे भी कम जा सकता है गवर्नमेंट स्कूल कटागा। तो पीडब्ल्यूडी का अराउंड 200 टू 300 में आपको सीट मिल जाएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट बहुत कम होते हैं और जो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसको सीट मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर कट ऑफ, और मैंने जो पीडीएफ दिखाया था आपको मैं उन सभी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप भी खुद देख सकते हो और खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो और मुझे YouTube में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरा कट ऑफ सही भी नहीं हो सकता है। मैंने कोशिश किया है और जितना हो सके मैं सही से बताऊँ। तो कट ऑफ माइट नॉट बी करेक्ट और इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये मतलब इसका दो, ये जो दो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाते और सिलेक्शन नहीं हो जाते तो कट ऑफ सही हो सकते हैं फिर गलत हो सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट दो साल में कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है और ऑलमोस्ट सही भी गया है। तो इस बार भी आई होप सही जाए, अगर सही भी नहीं जाए तो मतलब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यही चीज होता है हमेशा। बॉर्डर मार्क स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन काउंसिलिंग, क्योंकि अगर आप काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको सीट भी नहीं मिल सकता है, तो सीट मिलने का चांसेस अगर है तो आप काउंसिल में पार्टिसिपेट करना 100%। नेक्स्ट इज ड्रॉपर्स, मतलब यही चीज मैं सजेस्ट करूंगा, जो जो स्टूडेंट्स अराउंड 660-790 मार्क्स मिल रहा है तो वो लोग ट्राई करो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या तो स्टेट में लो या फिर बाहर किसी मेडिकल कॉलेज में लो, और ऑल इंडिया कोटा के लेने के लिए कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से लोगे तो स्टेट में सीट ज्यादा इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, स्टेट के स्टूडेंट्स को फायदा होगा। तो यही चीज करना है।
तो लास्ट यही एक अल्टीमेट है, कट ऑफ है, तो ये आप देख सकते हो मेरे हिसाब से तो यही कट ऑफ जाएगा और उतना और कुछ ज्यादा नहीं है। और फिर देखो रिवाइज मेरिट लिस्ट आएगा और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मतलब जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनका उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर अगर आपका मार्क्स इसी रेंज के मतलब इसी रेंज में है तो आप उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। देखो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें मैं जितने अपडेट्स होता है उन सभी अपडेट्स को मैं देते रहता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय एवरीवन।